हेलो सो आज इस सेशन में मैं एक टिप शेयर करना चाहता हूँ हर एक स्टूडेंट से जिनको अपना मैथमेटिक्स इम्प्रूव करना है. सो मैथमेटिक्स इज वन ऑफ द इजीएस्ट सब्जेक्ट अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है एंड आपका रेगुलर प्रैक्टिस है. लेकिन अगर आपका रेगुलर प्रैक्टिस नहीं है, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं है, सो डेफिनेटली मैथ्स आपका सबसे टॉर्चरिंग सब्जेक्ट बन जाता है. सो अगर आपको रियली मैथ्स इम्प्रूव करना है तो आपको जस्ट एक हैबिट क्रिएट करना है. जब आप स्कूल में, कॉलेजेस में या कोचिंग क्लासेस में आप लेक्चर अटेंड करें तो फर्स्ट थिंग आपको करना क्या है, पहला जब टीचर या जो भी लेक्चरर है आपको जब लेक्चर्स ले रहे हैं तो आपका 100% अटेंशन बोर्ड पे होना चाहिए. एंड अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रहा है उसी टाइम पे आप उसका वो पर्टिकुलर टीचर से आप उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए सेम टाइम पे. नाउ आपको समझ में भी आ गया वो सब, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया, स्टेप्स भी पता चल गया कि क्या क्या लिखना है. अभी यहाँ पर ही 99% स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं. उनको समझ में भी आ गया, स्टेप्स भी क्या लिखना है सब समझ में आ गया. नाउ व्हाट दे डू इज बोर्ड पे जो टीचर ने लिखा हुआ है वो डायरेक्टली बोर्ड से कॉपी कर लेते हैं. अगर आपने समझ भी लिया है और आप डायरेक्टली बोर्ड से कॉपी कर रहे हो तो आपने माइंड जो आपने सीखा उसको प्रैक्टिस में आपने लाया ही नहीं. सो दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक. यही हैबिट आपको चेंज करना है अगर आपको मैथ्स रियली इंप्रूव करना है. तो आपको करना क्या, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, स्टेप्स भी समझ में आ गया, आपको बोर्ड से डायरेक्टली कॉपी नहीं करना है. आप क्या करिए, बिना देखे वो सब को ट्राई करिए लिखने के लिए. यस डेफिनेटली इनिशियली जब आप स्टार्ट कर रहे हैं हैबिट क्रिएट करने के लिए तो इनिशियली आप पूरा सम नहीं लिख पाओगे. यस 4 to 5 स्टेप्स तो एटलीस्ट आप लिख सकते हो इनिशियली बिना देखे. हाँ उसके बाद अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है स्टेप्स क्या आने वाला है, पेन साइड में रखिए एंड वापस समझिए उस स्टेप्स के आगे के स्टेप्स क्या है एंड देन अगेन वापस लिखिए, बट बिना देखे लिखिए. यस 5 to 10 लेक्चर्स में आपको ये डिफिकल्टीज आएगी. बहुत से टाइम आप मे बी वो क्वेश्चन आप पूरा कंप्लीट भी नहीं कर पाओगे और लेक्चरर जो है या टीचर ने वो रब भी कर दिया. सो डोंट वरी, अब वो बाद में भी आपके फ्रेंड के बुक से आप चेक कर सकते हो. आपका मेन इधर है कि आपको वो हैबिट क्रिएट करना है बिना देख के लिखने का. बट आफ्टर 10 to 15 लेक्चर्स के बाद डेफिनेटली मैं बोलता हूँ आप में वो हैबिट क्रिएट हो जाएगा कि बिना बोर्ड पे आपको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. आप बिना देखे वो सब आपने समझ लिया और बिना देखे आप पूरा सम सॉल्व कर पाओगे क्योंकि आपने माइंड को ट्रेन कर दिया कि मेरे को अभी सीखना है एंड इसको वापस रिप्रोड्यूस करना है. मैंने जो सीखा वापस मुझे बिना देख के लिखना है तो वो माइंड ट्रेन हो जाता है. तो एक बार माइंड वो ट्रेन हो गया तो आपको बोर्ड पे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. आप बिना देखे वो सब तुरंत उसी टाइम पे कर सकते हो. इससे एक तो फायदा ये हुआ कि आपका माइंड जो है उसका रिप्रोड्यूसिंग जो कैपेसिटी है, जो सीखा वो तुरंत रिप्रोड्यूस करना वो इंक्रीज हो गया. सेकेंड थिंग आपने वो समझ लिया और तुरंत आपने उसको प्रैक्टिस में लाया, तुरंत आपने प्रैक्टिस किया तो इससे क्या हुआ आपके माइंड में वो तुरंत फिक्स हो गया. दैट इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू राइटिंग दैट सम 10 times. तो आपका प्रैक्टिस ऑलमोस्ट 10 times के इक्विवेलेंट हो गया जो आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हो. तो बिकॉज आपने सेम टाइम पे कर लिया. एंड द नेक्स्ट थिंग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि अगर आपका किसी चीज में कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो वो चीज में कॉन्फिडेंस तब बढ़ता है जब आप उसका टेस्ट देते हो. आपने सीख तो लिया लेकिन आप उसका जब टेस्ट देते हो और उसमें जब आप पास होते हो या आप जब आपको राइट आंसर मिलता है तब आपका कॉन्फिडेंस डेफिनेटली इंक्रीज हो जाता है. तो यहाँ पर आप टेस्ट भी दे रहे हो, आपको समझ में आ गया, सब स्टेप समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया एंड बिना देखे आप जब लिख रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, यू आर गिविंग द टेस्ट. एंड बिना देखे आपने लिख लिया एंड बोर्ड से आपने चेक कर लिया कि मैंने हर एक स्टेप्स राइट किया. इट मीन्स यू हैव गिवन द टेस्ट एंड यू आर गेटिंग द राइट आंसर. डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा. सो दिस इज हाउ आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी इंक्रीज होगा बिकॉज आफ्टर एवरी सम यू आर गिविंग द टेस्ट. सो आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो गया, आपका प्रैक्टिस भी हो गया एंड आपके माइंड का जो रिप्रोड्यूसिंग कैपेसिटी है जो भी सीखा वो तुरंत रिप्रोड्यूस करना वो भी इंक्रीज हो गया. सो डेफिनेटली आपका मैथ्स इंप्रूव हो जाएगा जस्ट ये एक हैबिट से कि आपको बोर्ड से डायरेक्टली कॉपी करके नहीं लिखना है. सो अगर मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है अगर आपको सब कुछ आता भी है, सब
पता है, कॉन्सेप्ट पता है, स्टेप्स क्या आएगा वो पता है, बट आप अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो रेगुलर बेसिस पे, अगर आपका प्रैक्टिस नहीं है, डेफिनेटली अगर आप एग्जाम देने जाओगे तो आपका पेपर छूटने के चांसेस ज्यादा है। सो डू प्रैक्टिस डेली, आपको प्रैक्टिस डेली करना है। और ये जो हैबिट मैंने बताया, आप स्कूल कॉलेजेस या कोचिंग क्लासेस में जहां पर भी जा रहे हो, जस्ट ये फॉलो करिए 10-15 लेक्चर्स, डेफिनेटली आपका मैथ्स इंप्रूव हो जाएगा। एंड आफ्टर 10-15 लेक्चर्स के बाद आप मेरे को शेयर कर सकते कमेंट सेक्शन में कि इंप्रूवमेंट आया कि नहीं आया, एंड डेफिनेटली मैं बोलता हूँ आएगा। सो होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, एंड प्लीज शेयर यू विद योर फ्रेंड्स, ताकि उनको भी पता चले कि ये जस्ट एक हैबिट क्रिएट करने से उनको बहुत ज्यादा फायदा होगा। So it hope it will be helpful for you. Thank you. So we'll meet in the next session in the next video. Thank you.